हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे पार्ट्स भी बहुत अच्छे और मैं और आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाशत वाट्स बीडर। तो आज हम डिस्कस करने वाले कॉकटेल के ऊपर, जब वेदर चेंज होती है या बाहर बारिश होता है तो कॉकटेल बार्ड एक जगह पर बैठे रहते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, शरीर फुला के फूल के बैठे रहते हैं एक साइड में, ब्रीडिंग नहीं करता। तो ये सब क्यों होता है, इसके लिए हम कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जैसे कि आपका कॉकटेल एक्टिव रहे, हेल्दी रहे, तो आज वही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगता है एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कॉकटेल बाजी फिंस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अभी तो हमारे यहाँ पर बारिश हो रहा है जिसकी वजह से मेरा कुछ कॉकटेल है नया सेटअप में लाया हूँ, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, एकदम चुपचाप कोने में जाके बैठा हुआ है। तो इसके लिए मैं सोचा कि चलो भाई एक वीडियो बना देते हैं, इसके ऊपर जो फ्रेंड का इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी थोड़ा समझ लेगा। तो क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रहा है, वेदर ठंड हो गया एकदम और हवा भी चल रही है तेज तेज, जिसकी वजह से हवा मेरा सेटअप में थोड़ा बहुत आता है। इसकी वजह से मेरा जो कॉकटेल एकदम कोने में जाके बैठा हुआ है और दूसरा जो है मेरा नया सेटअप है ना, जो पुराना सेटअप से नया जगह पर सबको ट्रांसफर किया, जिसके वजह से ये लोग थोड़ा घबराया हुआ है। इसलिए मेरा पास तो ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके पास जो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगी तो आप दो तीन चीज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आपका केज अगर बड़ा साइज का होगा, कम से कम 3 फीट से ज्यादा होगा, तो उसमें आप झूला लगाए, एक झूला ठीक है लगा दे कॉकटेल का, क्योंकि कॉकटेल जो है झूले में चढ़ना बहुत पसंद करते है और झूले में झूला रहेगा तो वो बहुत एक्टिव रहेगा। एक बार झूले में आएगा फिर स्टिक पे जाएगा, मतलब वो एक्टिव रहेगा वैसे ही। और आप हो सके तो बारिश के टाइम में या सीजन चेंज में कॉकटेल को सॉफ्ट फूड, जैसे कि आप हम लोग देते हैं डेली छोला, मतलब काला चना, दाल वगैरह, गेहूं जो सब देते हैं ना, भुट्टा वगैरह, वो सब बंद कर दो बारिश के टाइम में और सीजन चेंज में। सीजन चेंज देखो भाई, सीजन चेंज तो ऐसे ही नहीं आता, अभी तो गर्मी चल रहा था और 2-3 दिन अभी बारिश होगा, मेरे ख्याल से 2 दिन से बारिश हो रहा है और 2-3 दिन बारिश होगा फिर जाकर ठंड आ जाएगा। ये बारिश के वक्त और सीजन चेंज के टाइम में आपको सॉफ्ट फूड नहीं डालना। सॉफ्ट फूड नहीं डालना मतलब ये जो हम जो ठंडी वाले सॉफ्ट फूड डालते हैं ना, जैसे कि पानी में भिगो के डालते हैं काला चना, गेहूं वगैरह सब कुछ, ये सब आपको बंद करना है। और हो सके तो आपको एक फूड डालना है, बॉइल्ड राइस डाल सकते हो। जैसे कि आपके घर अगर वहां पर 2-3 दिन बारिश हो रही है, उस टाइम में आपको पहले दिन आप एक फूड डाल दिए, दूसरे दिन आपको बॉइल्ड राइस गरम गरम वाला डाल दिया, तीसरे दिन भी आप एक फूड डाल दिए, इस तरह से डाल देना ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कॉकटेल है ये एक फूड नहीं खाता भाई, मैं जितना भी कोशिश करूँ, जितना भी सारा अभी तक मेरा बहुत सारा एक फूड जाया हो गया इनको देते देते, लेकिन ये खाना ही नहीं चाहते, तो मैं इसको एक फूड नहीं देता भाई। सही बात है, लेकिन देना जरूरी है। आपके पास अगर कॉकटेल एक फूड खाता है तो आप उसको सप्ते में 7 दिन में एक दिन एक फूड डालो। मेरे पास तो नहीं खाता भाई, बहुत सारे कोशिश कर चुका हूँ, नहीं खाता तो क्या करे। मैं जो सॉफ्ट फूड में वैराइटीज टाइप का जो है फूड डाल देता हूँ, जिसकी वजह से इसके न्यूट्रिशन का जो कमी रहता है, प्रोटीन का जो कमी रहता है ना, वो उससे मिल जाता है और अच्छे खासा ब्रीडिंग भी कर देता है। और यह दूसरा पहला पॉइंट आपको बताया कि आपका बारिश के टाइम या सीजन चेंज के टाइम आपको अपने बार्ड्स को मतलब साइड से अच्छी तरह से ढक के रखना है, जैसे कि बारिश का छींटे ना आए, ठंडी हवा ना आ पाए, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सके तो घर के अंदर एक 100 वाट का बल्ब लगा देना है। ओवरऑल आपका सेटअप का टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना है, बाहर की जैसे ठंड हो रहा है ना बारिश की वजह से, वैसे ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर की तरह रहेगा तो आपका कॉकटेल पूरा एक्टिव रहेगा ठीक है। आप थोड़ा सा आपका अगर कॉकटेल अगर एक साइड में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा एक हीट टाइप का कुछ देखे, 100 वाट का बल्ब चला के देखो, वो थोड़ा हो, थोड़ा सा भी अगर होगा तो एक्टिव हो जाएगा ठीक है। और दूसरा जो है आपको बताया वो झूला आप लगा दो ठीक है, झूला लगाएंगे तो खेलने का कुछ मिल जाएगा, वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। और तीसरा बता सॉफ्ट फूड एक फूड वगैरह ये आप डालो, एक फूड जो काला चना छोले वगैरह जो हम डालते हैं ना, ये बाढ़ का शरीर के न्यूट्रिशन का कमी को पूरा करता है, लेकिन हीट पैदा नहीं करता, हीट एकदम से आता है वो एक फूड से। एक फूड आप देते हो तो उसका शरीर भी सही रहेगा, शरीर का हीट भी अच्छा रहेगा, पूरा बाढ़ एकदम सही से एक्टिव रहेगा। और अगर आप चाहे तो कोई मेडिसिन यूज कराना, तो आप जब ये वेदर चेंज ये हो रहा है या बारिश हो रहा है उस टाइम में आप थोड़ा सा मल्टीविटामिन दे सकते हो 2-3 दिन, क्योंकि मल्टीविटामिन भी आपका बाढ़ का शरीर में हीट पैदा करता है, बाढ़ को हीट करता है, इसलिए आप मल्टीविटामिन दे सकते हो ठीक है। मल्टीविटामिन जैसे कि भाइमल हो सकता है, एटूजर हो सकते हो, कुछ भी आप जो मल्टीविटामिन यूज करते हो ना
और मल्टीविटामिन आप दे सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई मल्टीविटामिन यूज़ करा दिया, बल्ब लगा दिया, एक फूट भी दे दिया, फिर भी हमारा झूला भी लगा दिया, खिलौना भी दे दिया बाहर को, फिर भी वो एक्टिव नहीं हो, तो हम क्या कर सकते? तो हो सकते हैं कि भाई आप ये सब प्रिकॉशन करने से पहले ही आपका बाज को ठंड लग चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद अगर आपका बाज एक्टिव नहीं होता तब जाके आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा देना है। कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है, O2 हो सकता है, O2 जो है उसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन के साथ मेट्रोनिडाजॉल ऑफ्लोक्सासिन के साथ ऑनिडाजॉल है, मिक्स किया हुआ रहता है, वो भी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। तो हम लोग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि O2 जो है ना लूज मोशन का मेडिसिन है, लेकिन O2 मेनली एक एंटीबायोटिक है जो लूज मोशन में भी अच्छा काम करता है। आपका वाट को अगर ठंड लग गया तो उसमें भी वो अच्छी तरह से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए आप हो सके तो O2 यूज़ करा देना भाई 2-3 दिन, नहीं तो आप मॉक्स भी दे सकते हो, मॉक्स 250, मॉक्स 500, कुछ भी एमोक्सिसिलिन उसका कॉम्पोजिशन है दे सकते हो, क्योंकि मॉक्स जो है ठंड लगने का बहुत एक नंबर मेडिसिन है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। वो आप 2-3 दिन यूज़ करा दो, आपका वाट्स का कोई बीमारी हो रहेगा, थोड़ा सा भी ठंड लग हवा लगने की वजह से ठंड लगने का हो सकता है, ऐसा होगा हुआ हो तो पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ 4 चीज़ आप करेंगे तो आपका जो बाढ़ से कॉकटेल कोने में बैठा रहेगा या शरीर फुला के बैठा रहा वो पूरा सही हो जाएगा। आपको और एक बार बता देते हैं, पहला तो आप 1 फुट डालो, मेरा तो 1 फुट नहीं खाता तो मैं नहीं डाल पाता, क्या करना है मैं कुछ और दूसरा देखता हूँ। 1 फुट डालो, ठीक है, तो दूसरा हो गया फॉरवर्ड कर बाल्ब लगाओ, आपका सेटअप का टेम्परेचर मेंटेन करो। तीसरा हो गया उसको खेलने के लिए कुछ खिलौना झूला वगैरह कुछ भी लगाओ। 4 नंबर हो गया आपका सेटअप को पर्दे से ढक दो पूरा, जैसे ठंडा हवा ना आ पाए। और 5 नंबर हो गया मल्टीविटामिन कुछ भी आप यूज़ करो दो बाज का शरीर को हीट करने के लिए सीजन चेंज के टाइम में। ठीक है, जैसे गर्मी से ठंड की तरफ जा रहा है तो इस टाइम में आपके बाज को प्रॉब्लम होती है बेसिकली, इसलिए मल्टीविटामिन 3-4 दिन दे के बाद का शरीर को हीट करा ले। और फिर भी नहीं होता है तो लास्ट जो पॉइंट है आप एंटीबायोटिक यूज़ करो, जैसे कि O2 हो गया, मॉक्स हो गया, जो भी हो एंटीबायोटिक यूज़ करो। ये 3-4-5 चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपका कॉकटेल ये पूरा हेल्दी रहेगा और सीजन चेंज में इसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। और मेरा जो नया सेटअप में मैंने कुछ बार छोड़ा है और बाकी का आज छोड़ देंगे, बारिश आया कल बाढ़ छोड़ा था कुछ, जिसके बाद आज बारिश स्टार्ट हो गया तो मैंने रोक, चलो भाई बारिश के टाइम क्या ले आना है, प्रॉब्लम हो सकती है ना जिसके वजह से मैं उसको अभी रोक दिया। देखते आज दोपहर के बाद अगर धूप निकलेगा तो हम सारे बाढ़ को ला के सेटअप में छोड़ देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कॉकटेल बजीज पिंक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।